Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Anit Bagh. तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ बामड़ा के लिए. बामड़ा मेरा बड़ा भाई का ससुराल है वहाँ पे, और उनका घर में जो है छठी का प्रोग्राम है. तो वही छठी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं, मेरी मिसेस और मेरी बहन जो है, हम लोग तीनों जा रहे हैं. तो माँ को मैं ट्रेन में भेज दिया हूँ और हम लोग तीनों अभी बाइक में जा रहे हैं. और यहाँ से बामड़ा जो है वो 50 किलोमीटर है, 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को लग जाएगा यहाँ से. और अभी सुबह का 10 बजने वाला है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. तो जल्द से जल्द हम लोग निकलते हैं यहाँ से. तो हम लोग दोस्तों नहा के तैयार हो के निकल गए हैं. नाश्ता वास्ता कुछ किए नहीं हैं, और हम लोग सोचे कि आधा रास्ता में भी कहीं पर रुक के नाश्ता कर लेंगे. वैसे भी लेट हो गया है. दोस्तों घर से 11:30-12 बजे निकले हैं, और देखते हैं कितना बजे तक पहुंचेंगे वहां पे. तो बामड़ा जाने के लिए दो रास्ता है. एक जो मेन रोड है वो सुंदरगढ़ होते हुए जाना पड़ता है, और दूसरा शॉर्टकट है जो कि रेल पटरी का किनारे होते हुए जाएंगे हम लोग. रेल पटरी किनारे से अगर हम लोग जाएंगे तो ये झारसुगड़ा से लगभग 50-55 किलोमीटर पड़ता है बामड़ा. और अगर आप सुंदरगढ़ होते हुए जाएंगे तो 60+ लग जाएगा, यानी कि 8-10 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा उधर से जाने के लिए. इसीलिए हम लोग इधर से ही गए. हम लोग दोस्तों रास्ता भूल गए थे, और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग आगे चले गए थे. और वहां से फिर हम लोग किसी को पूछे और बैक करके फिर दूसरा रास्ता पकड़ के आ रहे हैं. तो इधर मेरा बैक साइड में देखिए, मैं बोला कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है. और यहीं 10-15 मिनट हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, पानी वानी पी के फिर निकलेंगे यहाँ से. तो अभी हम लोग दोस्तों बागडी क्रॉस कर चुके हैं, और बागडी क्रॉस करने के बाद अभी यहाँ 5-10 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं. और मेरा बैक साइड में देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है. तो मैं ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे को बामड़ा जाने का रास्ता जो है पता नहीं है. तो ये बोर्ड देखा, बोर्ड का देखिए सिग्नल जो है बता रहा है कि आपको कि बामड़ा सीधा जाना है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ से सीधा ही जाएंगे, और लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर और हम लोगों को जाना है बस. तो अभी हम लोग दोस्तों ये बागडी का फॉरेस्ट एरिया पार कर रहे हैं, और ये बागडी का जंगल एरिया है. और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड में लिखा हुआ था कि हाथी से थोड़ा सावधान रहिए. ये एरिया में जंगली हाथी जो है हमेशा क्रॉस करते रहते हैं, रोड इधर उधर होते रहते हैं. तो इसीलिए हम लोग भी डिसाइड किए कि अंधेरा होने का पहले से ही हम लोग वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे. तो हम लोगों को दोस्तों बामड़ा पहुँचने के लिए करीब 2 घंटा लग गया झारसुगड़ा से. और हम लोग दोपहर का 2 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं,
तो सबसे पहला तो हम लोग जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद में खाना वाना खा लेंगे और हम लोग जो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं इसी घर में आए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि खा के अगर टाइम मिलेगा तो आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, नहीं तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाएंगे अंधेरा होने का पहले ही। तो आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों बामड़ा, और यहाँ मेरा बैक साइड में ये घर देखिए, हाँ इधर ये घर प्रतिष्ठा भी हो रहा है और का कि छट्टी भी हो रहा है, तो वही अटेंड करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये मेरा भाभी का घर है, और ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी भी उन्हीं का है। तो माँ भी साथ में आई थी हम लोगों का साथ में, लेकिन माँ रुक जाएगी और हम लोग चले जाएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों ये मेरी माँ खाना खा रही है और हम लोग भी खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद में चेयर लाए और थोड़ा देरी बैठे वहाँ पे, और खाना उना खा लेने के बाद में यहाँ से जाएंगे फिर भाभी घर, आधा एक घंटा वहीं पे रेस्ट करेंगे। तो पार्टी का जितना भी खाना वाना बन रहा था दोस्तों यहीं पे बन रहा था, इधर टेंट लगा हुआ था, इधर रसोई घर बनाए हैं। और हम लोग सब खाना खाने के बाद में वहाँ से फिर निकले और जा रहे हैं भाभी घर तरफ। और यहाँ पे मेरा बहन का भतीजा भी आया हुआ है राहुल किला से, वो एक्चुअली दोस्तों आया था झारसुगड़ा, तो हम ही लोगों का साथ में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वहाँ पे रुक गया और साथ में ही हम लोग गए। तो ये देखिए ये छोटा सा गली टाइप का रास्ता है, और ये घर जाने के लिए आप जो मेन गेट जो है वो दूसरा साइट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए मेन गेट जो है वो इस साइड में है, जो गाड़ी सब खड़ा हुआ है ये मेन गेट है, और ये हम लोग दूसरा रास्ता थे गए थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी 5 बजने वाला है दोस्तों और हम लोग अभी यहां से निकल रहे हैं। यहां 5 बजे निकलेंगे तो करीब 6:30 बजे तक पहुँच जाएँगे वहाँ झारसुगड़ा में।